प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में समाजों की सद्भावना और विश्व कल्याण की कामना को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश का पूजन किया गया। साथ ही मंदिर परिसर में उसकी स्थापना की गई। मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ नवरात्र की पूर्व संध्या पर कलश को स्थापित की। आपको बता दें कि नवरात्र में कलश की स्थापना और पूजन का विशेष महत्व होता है। मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्र के सभी 9 दिन विशेष पूजन किया जाता है। संस्कृत विद्यालयों के छात्रों ने कलश स्थापना के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवग्रहों का आमंत्रण किया। महोबा में एंटी करप्शन टीम ने आरईएस के जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल जेई आंगनबाड़ी भवन निर्माण के भुगतान के एमबी में के एवज में रुपयों की मांग कर रहा था। पीड़ित के मामले में एंटी करप्शन झांसी से संपर्क साधा था, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए जेई को मुख्यालय के विकास भवन से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला ये था भैया कि हमारा एक पेमेंट पड़ा था आरईएस विभाग का, आंगनबाड़ी केंद्र बेंदू के नाम से हमारा काम था और काफ़ी दिनों से यही जो है लाखन सिंह पेमेंट नहीं कर रहे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद इन्होंने पेमेंट नहीं किया। मैंने कई बार विभाग में भी पत्राचार किया और एक दूसरी जगह और भी शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारा पेमेंट नहीं हुआ। बार बार कमीशन के चक्कर में बार बार मुझको टहलाते रहे, आज कर देंगे कल कर देंगे इसी तरीके से। तो मैं जब काफ़ी परेशान हो गया, तो पीड़ित मतलब मैं काफ़ी दिनों से जब परेशान था, तो मैं फिर एंटी करप्शन टीम मुनीश यादव जी की है उनसे संपर्क साधा, झांसी गया, वहाँ एप्लीकेशन दी और इसके बाद फिर एक आज मतलब उन्होंने 6000 रुपये मतलब 10000 की बात थी, 6000 रुपये में हमारा सौदा हुआ, 6000 रुपये दिए मैंने और एंटी करप्शन टीम ने दंगे हाथों उनको ये हिसाब से। पनवाड़ी ब्लॉक में नीरज मिश्रा है पनवाड़ी के, उनकी माँ ठेकेदारी करती, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया था 4,20,000 का लगभग पेमेंट था, जिसमें से 3,00,000 समथिंग पेमेंट हो गया था, 70-75 हज़ार रुपया और बचे थे। उसके लिए वो काफ़ी दिन से परेशान था, इन्हें पहले 10,000 रुपया मांगे, बाद में 6,000 रुपया पे इनकी तय हुई। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।